हमारी जो चेस्ट है उसकी ब्रॉडनेस नहीं आ रही है, एक इंच इसको इधर कर दिया मैंने। चलो तो ये मैंने बनाया, 40 ना निकल जाए, कर लेगा, मरोगे नहीं ना, तब तक वो रहेगा। बोल रहे थे भैया कभी कभी अपनी बॉडी भी दिखा दिया करो। हाय, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग गाइस। तो आज करेंगे चेस्ट का वर्कआउट फुल ऑन एक्साइटमेंट के साथ। और कुछ मेरे भाई बोल रहे थे कि भैया बिल्कुल बेसिक एक्सरसाइजेस बताओ, वो तो भूल ही गए हैं। बेसिक एक्सरसाइज आप लोगों को मैं जो फर्स्ट एक्सरसाइज बताऊंगा वो आपके फर्स्ट सेट में भी आ जाएगी, फर्स्ट वार्म अप सेट में भी आप ले सकते हो, 15 से 20 से जितने भी आपकी स्ट्रेंथ है उस अकॉर्डिंग लेना। फर्स्ट लेंगे हम क्या, पुशअप्स लेंगे। पुशअप्स में 3 सेट मारने आपने, मैंने ऑलरेडी पंप कर लिया है अपना बॉडी, बट आप लोगों को वेरिएशन करके दिखाऊंगा किस तरीके से आप क्लोज, वाइड और ग्रिपिंग के साथ बिना वेट के आप कर सकते हैं अपनी चेस्ट को पंप। चलो, कोई मेरे भाई अगर चाहता है कि भैया हमारी जो चेस्ट है उसकी ब्रॉडनेस नहीं आ रही है या श्रिंकेज नहीं आ रही है या लीनिंग नहीं आ रही है, तो ये वाली एक्सरसाइजेस बताऊंगा, आप करके देखना, एक नंबर मजा आ जाएगा आपको। अगर आपको ब्रॉड चेस्ट बनानी है, पुशअप्स करने हैं, सिर्फ घर के अंदर सिर्फ पुशअप्स कर लेना, रोज पुशअप्स कर लेना, आपकी जो चेस्ट है ना वो बाय डिफॉल्ट आपकी जो चेस्ट है वो शेप में आना स्टार्ट हो जाएगी। तो करके दिखाऊंगा कैसे करेंगे, क्लोज भी करूंगा और वाइड भी करूंगा। वाइड किस लिए करूंगा, चेस्ट को ब्रॉडनेस देने के लिए। क्लोज किस लिए करेंगे, अपनी चेस्ट को पंपिंग और स्क्वीज करके उसको अच्छे से गेन करने के लिए। चलो करके दिखाएंगे, पहले लेट जाओ, पहले इस तरीके से लेट जाओ, परफेक्शन मोड वो बताऊंगा आपको मैं, वेरिएशन, परफेक्ट वेरिएशन के साथ बताएंगे किस तरीके से आप कर सकते हो। इस तरीके से आगे आ जाएंगे आप, यहाँ पर चेस्ट के अकॉर्डिंग जो चेस्ट है यहाँ पर रखें, थोड़ा सा ब्रॉड कर ले ताकि चेस्ट ब्रॉड आए, और इस तरीके से उठना है, चेस्ट आप रखना है, शोल्डर आगे कर ले थोड़े से इस तरीके से। 1, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ये आपकी ब्रॉडनेस के लिए होगी। क्लोज करके दिखाऊंगा, सेम वेरिएशन रहेगा, बस अपना जो चेस्ट रहेगा थोड़ा सा आगे जाएगा ताकि आपका जो लोअर चेस्ट रहेगा वो टाइट रहे। कैसे करके दिखाऊंगा, चलो पहले यहां पे था हाथ, अब एक एक इंच, यानी कि यहां पे था तो एक इंच इसको इधर कर दिया मैंने। चलो आगे आ जाए, थोड़ा सा हिप्स अपने ऊपर रखें और धीरे धीरे टच करें, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, सामने देख के करना है, 12 से 15 रेपिटेशन मारना, दोनों सेट करने हैं, रोज करने हैं या ऑल्टरनेट डेज पे कर लेना, मजा आ जाएगा। चलते हैं अपनी अब फर्स्ट एक्सरसाइज पर जो वेट से लेंगे। अपनी जो फर्स्ट एक्सरसाइज रहेगी वो करेंगे हम 45 डिग्री के एंगल पर, इंक्लाइन बेंच पे करेंगे। किस तरीके से अपना वेरिएशन रहेगा, किस तरीके से अपना रेंज ऑफ मोशन रहेगा, सारा चीज करके आपको दिखाऊंगा। बट उससे पहले अगर मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड शो योर लव गाइस। तो चलो चलते हैं अपने फर्स्ट एक्सरसाइज पे। 10 से लूंगा, सॉरी मैं लूंगा, इस पे हैवी जाना है तो इस पे लेंगे 25 से लेंगे। चलो 25 से करेंगे, रेपिटेशन जो निकालेंगे 10, 8, 15 जितने निकलेंगे फाड़ के निकालेंगे, सिंगल हैंड निकालेंगे, अपने दम पे निकालेंगे। आज गुरुजी की हेल्प नहीं लेनी है मेरे को बिल्कुल भी, गुरुजी ने मेरे को बोल दो तू मेरी हेल्प बहुत लेता है। चलो तो गुरुजी की हेल्प नहीं लेंगे, जो करेंगे आज खुद से करेंगे। चलो 25 का लिया है भाई मैंने, बताना गाइस यार कितने निकलेंगे। मैं कह रहा हूं कि 12 निकलेंगे, अब देखते हैं 12 निकलते हैं, 15 निकलते हैं, जितने भी निकलेंगे एटलीस्ट 12 निकालने की फुल ऑन कोशिश करेंगे। अपने लैप्स पे रख लें अपना वेट गाइस, ये चीजें बहुत नोटिस करनी, छोटी सी चीज है बट अगर आप ये नोटिस करोगे तो आपको इंजरी नहीं होगी, इसकी पैरों की हेल्प से आप ले सकते हो। चलो 1, 2 एंड 3 चलाओ जी, पूरा स्ट्रेच एंड स्क्वीज, 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 टैप, गाइस मुझे पता नहीं लग रहा है कितने लग गए, टैप, और यहीं पर रखना है। चलो आप जितने भी लगे आप लोग जानो भाई,
मैं तो अपनी एक्सरसाइज कर रहा था पूरे कॉन्सेंट्रेशन के साथ, आपने देखा होगा 1% भी बॉडी जो मेरी रोल नहीं हुई है, झूठी नहीं है। जहां करना था अपने चेस्ट को कर रहा ट्रेन, चलते अपनी दूसरी एक्सरसाइज पे। तो गाइज अपनी जो दूसरी एक्सरसाइज रहेगी रॉड पे करेंगे, फ्लैट बेंच पे करेंगे, ताकि आप लोगों को बेसिक और एकदम रॉ एक्सरसाइजेस भी पता होनी चाहिए। देखो गाइज क्या है ना, आपको मैं बता दूं, मैं एकदम फुल टू से एक्सरसाइजेस दे सकता हूँ, मतलब कि आपको प्रो एक्सरसाइजेस भी बता सकता हूँ, वेरिएशन भी बता सकता हूँ, बट उसका फायदा होगा ही नहीं ना, क्योंकि आप सब ज्यादातर घर से करते हो, और आप घर से करते हो तो आप लोगों के पास ज्यादा इक्विपमेंट नहीं होते हैं, ज्यादा सोच नहीं पाते हो यार क्या करें, और वहीं पे बंदा अपना जो मोटिवेशन है वो तोड़ देता है। वो सोचता है यार मेरे पास कुछ चीजें तो है ही नहीं, तो मैं कैसे करूंगा। तो गाइज जो ये मैंने बनाए हैं ना, ये 5-6 साल घर में एक्सरसाइज करी है, और ये सच है। कभी देखना, अब तो मैं जुड़ गया हूँ आप लोगों से, तो ये सच्चाई भी, ये सारी सच्चाइयां आप लोगों के साथ सामने धीरे धीरे आएंगी। तो 5-6 साल बहुत होते हैं, 3 साल तो मैंने कोरोना में घर से ही कराया है, देख लो फिर भी कितने अच्छी फिटनेस है। क्यों? क्योंकि यार अपना टूटने नहीं दिया, रिदम नहीं टूटने दिया, वो सोच नहीं टूटने दी। चाहे मैंने रिपीटेड एक्सरसाइजेस करी है, मैंने भी खुद यूट्यूब से सीखा है और इतने अच्छे अच्छे लोगों से सीखा है ना, मजा आ जाता है मेरे को वो एक्सरसाइज आज भी मैं सीखता हूँ, जैसे आप लोग कुछ मेरे भाई मेरे से सीख रहे होंगे ऑफकोर्स। तो चलो बिल्कुल बेसिक एक्सरसाइज है, कैसे करेंगे वो चीजें आपको बताऊंगा मैं। 5 एक्सरसाइजेस बताई, 5 टिप्स बताई देना, वो याद रखना, बैलेंस बनेगा आपका। चलो करके दिखाता हूं। पहला पॉइंट अपने ग्रिपिंग के लिए ये फीट, दूसरा अपना हिप्स, तीसरा अपने लेग्स, और चौथा जो रहेगा अपने यहाँ पे गैपिंग, गैपिंग उनके हिप्स और बैक के बीच में, चौथा जो रहेगा, पांचवा जो रहेगा अपने हेड। चलो क्लोज लेंगे, लास्ट टाइम मैंने आपको शायद वाइड से बताया था, तो क्लोज लेंगे ताकि अच्छे से स्क्वीज आए। चलो ये चलाइए सीधी, दो तीन चार पांच, सेम मूवमेंट में लेना है, सेम पोजीशन में लेना है गाइस, मस्त एक्सरसाइज है, घर के अंदर कर सकते हो। रॉड नहीं है ना, मैं सच बता, रॉड नहीं है, लेट जाओ फ्लैट पे, ब्रिक्स उठाओ और सेम पोजीशन पे मारो, और रेपिटेशन जो आपके रहेंगे, अगर लाइट कर रहे हो तो भाई साहब जब तक आपके पसीने ना निकल जाए या पोटी ना निकल जाए कर लो, मेरी मान लो आपकी मसल्स अच्छी हो जाएगी, क्योंकि अभी सर्दी है, सर्दी में जितनी ज्यादा एक्सरसाइज कर लोगे और उसको न्यूट्रिशन दे दोगे खाने को, घर का खाना भी खा लोगे ना गाइस, तो अच्छा गेन हो जाएगा, जो मेरे भाई ऑलरेडी बहुत ज्यादा लीन और गेन कर रहा था। चलो चलते हैं अपनी तीसरी एक्सरसाइज पर, अपनी तीसरी एक्सरसाइज रहेगी वो चौथी, ये मैं हमेशा चौथे सेट चौथी एक्सरसाइज लेता, बट आज मैंने थोड़ा सा चेंज करा है वेरिएशन में भी और एक्सरसाइज के सेट्स में भी। तो ये होगी अपनी पुलओवर एक्सरसाइज, प्रॉपर चेस्ट को मस्त तरीके से करेंगे, और ये तीसरी एक्सरसाइज रहेगी मेरी, इसके 3 सेट लेने हैं, पर सेट पे कम से कम 12 या 15 तो लेने हैं, क्योंकि 25 का है तो मैं कम से कम 12 रेपिटेशन लूंगा अच्छे से मसल को ग्रोथ करने के लिए। क्या पोजीशन रहेगी, किस तरीके से वेरिएशन रहेगा बताऊंगा आप लोगों को, नोटिस करना एक एक चीज, कुछ गलत करता हूं तो गाइस बताया करो, मैं उसको ठीक करूंगा ना, फिर यार ऐसा थोड़ी ना मैं गलत बताया जा रहा हूं और आप ओके भैया नाइस भैया ये वो, नहीं अप्रिशिएट मत करो भाई, अगर गलत कर रहा हूं तो अप्रिशिएट बिल्कुल मत करो, मेरे को बोलो कि भैया इस तरीके से करो, तो मैं अपने ऊपर भी काम कर रहा हूं, क्योंकि मैं अब देखो कहने जब आप बॉडी बिल्डिंग में जाते हो ना या फिटनेस में जाते हो, तो जब तक आप मरोगे नहीं ना तब तक वो रहेगा, आपको कंसर्न रहेगा कि यार ये वाला बॉडी पार्ट अभी भी साला कम है, ये वाला बॉडी पार्ट अभी भी कम है, तो वो चीजें सबके दिमाग में रहती है, कितने भी बॉडी बिल्डर हो भाई सबके दिमाग में रहती है, तो मुझे बताया करो, तभी तो कनेक्ट बनेंगे ना हम, कनेक्शन बनेंगे ना हमारे। चलो करके दिखाऊंगा, बेसिकली आपके जो 5 पॉइंट्स है वो ही करने हैं, फीट, हिप्स, गैपिंग, आपके लेग यानी कि बैक और सर इन पे, और 5-6 जो होगा ग्रिपिंग, ग्रिपिंग किस तरीके से लेनी है वो मैं बताऊंगा। चलो ये इस तरीके से ग्रिपिंग रखें, जब नीचे जाएगा तो आउट करना है, ये इस तरीके से आउट, और ऊपर आओगे तो इसको थोड़ा सा टिल्ट करना है अंदर की साइड, अभी ये आउट जाएगा, आउट और यहां पर आकर थोड़ा सा टिल्ट यानी कि स्क्वीज अपनी चेस्ट पे, आउट एंड स्क्वीज, आउट एंड
स्क्वीज, बट इस पे आपकी जो ग्रिपिंग होगी हाथ की वो बहुत ज्यादा मैटर करेगी। तो गाइस अपनी ग्रिपिंग को अच्छे से रखें और मेंटली प्रिपेयर रहें कि आपको अपनी बॉडी बनानी ही बनानी है गाइस। मजा आ जाएगा, एड ऑन करना तीसरी में, फुल ऑन चेस्ट पंप हो जाएगी। ये देखो चलते हैं चौथी एक्सरसाइज पर। चलो तो गाइस अपनी जो चौथी एक्सरसाइज रहेगी वो गुरुजी ने सजेस्ट करी है कि भाई अपने व्यूअर्स को, अपने भाइयों को जो घर से करते हैं या जिम में भी जाते हैं उनको ये वाली एक्सरसाइज बता दू आज। ये वाली एक्सरसाइज थोड़ी सी डिफरेंट है, वेरिएशन डिफरेंट देंगे इसको और कहीं ना कहीं ये आपकी मसल को ना थोड़ा डिफरेंट शॉक देगी, फ्लेवर आएगा आपकी चेस्ट में अलग तरीके का। आप करोगे ना मजा आएगा, मीठा मीठा पेन करेंगे आज। चलो जी, तो मैंने आपको इस पे इंक्लाइन पोजिशन पे बताया, डिक्लाइन पोजिशन पे बताया, फ्लैट पे भी बताया है, बट इस बार जो सरफेस होगा अपना पूरा हिप्स तक रोक के चलेंगे, उसका फायदा मैं बताऊंगा। आप हिप्स तक रुक गए, सपोज करो रुक गए और यहाँ पे लेकर आना है नीचे की साइड में, ऊपर नहीं लेकर आना है, यहाँ पे इस बार हम नीचे की साइड लेकर आएंगे, इस तरीके से लेकर आएंगे। मजा आएगा, करके देखना, आगे लेना है ये वाला डंबल। चलो ये इस तरीके से आगे रखना है, आगे, यहाँ पे नहीं रखना, इस बार आगे रखना है। चलो ओ, फुल स्ट्रेच करना है, ये स्ट्रेच 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 एंड स्क्वीज, स्ट्रेच 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 एंड स्क्वीज, स्ट्रेच 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 एंड स्क्वीज, ये करके देखना। मैं गारंटी दे रहा हूँ लोगों को, जो आपकी लोअर चेस्ट में इतनी पेन मारेगी और इतना तगड़ा पंप करेगी ना, पूरा दिन आप लोगों को फील होगा कि हाँ, यही फायदा होता है जब आप डिफरेंट वेरिएशन देते हो, डिफरेंट मूवमेंट देते हो, डिफरेंट रेंज ऑफ मोशन में एक्सरसाइज करते हो, तो आपकी जो मसल होती है ना अलग तरीके से उछलती है, अलग तरीके से प्रिपेयर होती है और अलग तरीके से अपना, क्योंकि मसल को भी ना ट्रेन करने के लिए उसको जगाना पड़ता है गाइस, उसको पता देना पड़ता है, उसको थकाना पड़ता है। यस, कि जागो भाई जागो, उस तरीके से करना पड़ता है, तुम्हें खुद से नहीं करना होगा, तुम तो जागे हुए, तुम्हें पता तुम मारे जा रहे हो यार वेट, बट मसल पे आ ही नहीं रहा जो। तो गाइस ये चार एक्सरसाइजेस चेस्ट पे एड ऑन करना बहुत ही सिंपल और बहुत ही इफेक्टिव एक्सरसाइज है, मसल ग्रोथिंग के लिए, लीनिंग के लिए, बल्किंग के लिए। खाने के ऊपर डिपेंड है आपका कि लीनिंग के लिए क्या खा रहे हो, गेनिंग के लिए क्या खा रहे हो, एक्सरसाइज सेम चलेंगे आपकी रेपिटेशन और वेट पे डिपेंड करेगा आपके। एड ऑन करना बहुत अच्छी एक्सरसाइजेस है एंड आई होप कि आप लोगों को ये जो चीजें मैं बताता हूँ, ये सेशन देता हूँ, वो अच्छे लगते हैं। और मेरे भाई कुछ बोल रहे थे कि भैया कभी कभी अपनी बॉडी भी दिखा दिया करो, तो यार अभी तो कुछ खास है नहीं, फिटनेस बन रही है, मेहनत चल रही है, कभी दिखेगी तो डेफिनेटली दिखाऊंगा, क्योंकि भाई बॉडी दिखाने के पे ना बहुत लोग फिर कमेंट करते हैं कि यार बॉडी तो है नहीं, बना रही है कि भाई मैं बॉडी बनाने आ ही नहीं रहा, तो मैं सिर्फ अपनी फिटनेस, और मैं जब तक जीऊँगा, जब तक मुझे जीना है, मेरे हाथ में डंबल दिखे, मेरा सपना है मैं जिम में दिखूँ, ये सपना है। तो गाइस अगर कोई ये चीज़ें मेरे साथ कनेक्ट करना चाह रहा है मेरे भाई, तो मुझे पिंग जरूर करना, हमारी सोच सेम है, हम लोग सेम ट्रैक पे हैं, क्योंकि आज की डेट में फिटनेस से रिलेटेड जो भी चीज़ें मिलें वो लो, ग्रैब कर लो गाइस, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको फायदा मिलेगा। तो चलो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना भाई का चैनल। चलो टेक केयर।